और मैं अभी देहरादून में हूँ, गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास खड़ा हूँ। और आप देखिए मेरे साथ हैं आदरणीय प्रदीप भट्ट, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। ये अभी इलेक्शन जो अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक फाइनल हो चुकी है, बिल्कुल बच चुका है, क्या कहेंगे आप इस इलेक्शन के बारे में? बिल्कुल, लोकतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र का महापर्व है, राइट। और हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, राइट। और हम जल्द अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है उत्तराखंड से पांचों लोकसभा की सीटें जीतने जा रही है, और देश के अंदर राहुल गांधी जी अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और देश के नौजवान, देश की मातृशक्ति, मजदूर, तमाम जो भारतीय, भारत के हर नागरिक जो है इस समय कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, और पूरा जनसैलाब कांग्रेस की रैलियों में उमड़ रहा है। और सबने मन बना दिया है कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही जो सरकार है, जो जन विरोधी वाली सरकार है, इसको जो है जड़ से उखाड़ के फेंकना है। तो भट्ट जी, क्या मान के चले पांचों सीट पे क्या नाम डिक्लेयर हो गए हैं क्या? हमारे 16 तारीख को सीईसी की बैठक है कांग्रेस की, और उसके बाद प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। जहाँ तक मैं टीरी लोकसभा की बात करूँ, वहाँ से क्या उम्मीद है, किसकी लड़ने की उम्मीद है क्या? देखिए, 16 तारीख को सीईसी की बैठक के बाद ऐलान कर दिया जाएगा। आप 16 तारीख का क्या, तीन चेहरे वहाँ से बार बार आ रहे हैं, उपाध्याय जी हैं साथ में, किशोर उपाध्याय जी हैं, और माननीय प्रीतम जी हैं, और विजयपाल सजवार जी का भी नाम तक आ रहा है। तो क्या उम्मीद करेंगे कि कौन सबसे दावेदार कैंडिडेट्स रहेंगे? बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे योग्य नेता हैं, जिन्होंने जनता के बीच में रह करके जनता के लिए काम किया है, तो हमारे पास नामों की कमी नहीं है। और 16 तारीख को आप इंतजार करिए, जो भी प्रत्याशी कांग्रेस का होगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनको जिताने के लिए एक और मेहनत करेगा, और प्रदेश की पांचों लोकसभा की सीटें इस समय जो है कांग्रेस की झोली में डालेंगे, और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तमाम जो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता है सबने जो है जीत और मेहनत कर रहे हैं। ऐसे समझा जा रहा कि कांग्रेस बहुत तेजी से, बिल्कुल ग्रास रूट से, काफी टाइम से, लंबे टाइम से काम कर रही है, ऐसी बार बार हैंगिंग आ रही, क्या ये वास्तविक मान के चले बार बहुत चेंजिंग होगा? देखिए, कांग्रेस का तो इतिहास ही संघर्षों का है और काम का इतिहास है। कांग्रेस ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, और ये देखिए जिस पार्टी के दो दो प्रधानमंत्री देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया हो, तो ऐसी पार्टी कांग्रेस ऐसी पार्टी है। और पूरा देश का आम नागरिक इस समय, क्योंकि आज देश देख रहा है जिस तरीके से झूठ बोला जा रहा है, जुमले फेंके जा रहे हैं, तो उन झूठ से, जुमलों से जो है देश की जनता परेशान है। मोदी जी का जो ये नाटक था, जो जुमला था, इससे जो पर्दा हट गया है। देश के नौजवानों में भारी आक्रोश है, उनके मन में भारी पीड़ा है कि 2014 के चुनाव में हमने जिस उम्मीद के साथ नौजवानों ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया था, उन्होंने जो है एक भी वादा अपना पूरा नहीं किया। क्या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे से अपोजिट को कुछ फायदा होने वाला है क्या, आपको लगता है क्या, ये सब चीजें जो बाजार में अभी मीडिया के थ्रू चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जहां तक है, बार बार इश्यू बनाया जा रहा है, ये सर्जिकल स्ट्राइक हमारे देश के जवानों ने किया है, भारतीय सेना ने किया है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी ने किया। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष जो है सीमा पे बंदूक लेके गया है? राहुल जी का दौरा कब रहेगा? सर्जिकल स्ट्राइक जो है ये पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। इंदिरा गांधी जी ने तो पाकिस्तान के दो फाड़ कर दिए थे, सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक तो वो थी। लेकिन हमने, कांग्रेस ने कभी, क्योंकि उस समय जो है इस तरीके से बाजार नहीं था, आज जो है जिस तरीके से राष्ट्रवाद का बाजार है, और देश के जवानों के कंधे पे बंदूक रख के भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वोट हथियाना चाह रही है, वो तो ये जनता इसको बखूबी जानती है। देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता ने तय कर दिया है कि इस समय झूठ का बेनकाब करना है, सच का साथ देना है। आप देखिए, राहुल गांधी जी अभी जो 2000 जो अभी हाल में जो तीन राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, उन्होंने वहां की जनता से वादा किया था कि आप कांग्रेस की सरकार बनाइए और अलग इलेक्शन, कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, और अगर 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ नहीं होगा तो हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटा देंगे। तो आपने देखा, राहुल जी ने जो है 10 घंटे के भीतर किसानों का कर्ज माफ कर दिया। तो आज जो है देश की जनता ये समझ रही है कि राहुल गांधी जी सच बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो आज यह फैसला झट और झूठ और सच का होने जा रहा है। गांधी जी भी इलेक्शन लड़ेंगी क्या, ऐसा उम्मीद है? प्रियंका जी, ये फैसला तो हमारे
सीईसी को करना है। कुछ नेताओं का कहना है कि कुछ का कहना है इस लाइन पे, क्या बोलेंगे आप कि कांग्रेस के पास एक लास्ट थ्रो का पत्ता था, वो भी फेंक दिया गया प्रियंका गांधी जी को, क्या आप मानते इस बात? कांग्रेस के पास तो कई तुरु के पत्ते हैं, कांग्रेस बहुत मजबूत है। और आज जिस तरीके से देश के हालात हैं, आज जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है, जो आज आप देख रहे हैं केवल झूठ का बोलबाला हो रहा है। क्या मैसेज देंगे आप उत्तरकाशी जनता को खासतौर पर? देखिए उत्तरकाशी की जनता को मैं ये मैसेज, लोकसभा के लिए प्लस उत्तरकाशी की महान जनता और टिहरी लोकसभा की महान जनता से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके पास जो भी वोट मांगने आए आप जरूर उनकी तुलना करिए और जो योग्य उम्मीदवार है उसको चुनिए, क्योंकि अगर आप जो है सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट देंगे तो आपको पता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से एक सांसद ने भरी सभा में अपने विधायक को जूते से पीटा है, तो इस तरीके से जो व्यक्ति योग्य नहीं है उनको कम से कम हम चुनाव जिताए, हम ऐसे लोगों को चुनाव जिता करके भेजे जो लोग काम करने का जिनका इतिहास है, जो काम करना जानते हैं, लोगों का जोड़ना जानते हैं, जो लोगों की लड़ाई को लड़ सकते हैं। भट्ट जी ये लाइन कितना आप सच मानते हैं कि उत्तरकाशी में दो पाल हैं जो क्रिकेट एम्पायर की भूमिका निभाते हैं और मैच रेफरी के रूप में मान्य सांसद विजय लक्ष्मी राज शाह जी हैं और विजय बोगण जी हैं, क्या ये लाइन आप मानते हैं किस चीज़ में? ये मैच रेफरी और मैच एम्पायर की भूमिका पाल का बराबर आना जाना बना हुआ है, क्या बोलिए आप इस बारे में? मैच रेफरी मैच एम्पायर से कोई बात नहीं है। राइट, कोई भी व्यक्ति अपने संघर्षों से आगे बढ़ता है। राइट, अगर वो विधायक बने तो उन्होंने संघर्ष किया। क्या कमिंग डेज में माने कि उत्तरकाशी में बहुत सारे नेता आज की डेट में आ रहे हैं, लाइक हम कांग्रेस की बातें भी करते हैं, प्रदीप भट्ट जी का बहुत बड़ा नाम है, कनकपाल परमार जी हैं, गिरवीर परमार जी हैं, इसके अलावा मैं कांग्रेस की बीजेपी की बात करूं तो पवन नौटियाल हैं, कुलदीप बिष्ट हैं, अरविंद बिष्ट हैं और विजयपाल तंगानी काइंड ऑफ बीएसपी में बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ इनमें समझते हैं? क्या कमिंग डेज में यदि क्या हम माने उत्तरकाशी के बहुत अच्छे नेता मिल गए हैं ये कमिंग डेज में देखने को मिलेंगे? हम तो हमेशा छात्र जीवन से ही संघर्ष कर रहे हैं। राइट, जब छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे उत्तरकाशी तब से लेकर लगातार आज तक संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी ने अभी जिम्मेदारी दे रखी है, पार्टी की जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। अभी हमारा मकसद है अपनी पार्टी को बूथ लेवल पे मजबूत करना है और निश्चित रूप से जब पार्टी चाहेगी तो निश्चित रूप से हम मान के चलेंगे उत्तरकाशी के लिए आपकी सेवा मिलेगी मातृभूमि को आने वाले टाइम में। सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर है, सदैव तत्पर है। जो भी हमारी पार्टी का आदेश होगा, जो भी जनता का आदेश होगा, हम जनता के साथ हमेशा खड़े हैं, जनता की लड़ाई को हम लड़ने का हमेशा काम कर रहे हैं। राहुल जी का दौरा है कि यहाँ राहुल गांधी जी आएंगे 16 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी देहरादून आ रहे हैं, परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं से एक परिवर्तन की बयार चलेगी और आप देखेंगे कि उत्तराखंड की पांचों लोकसभा की सीटें हम आदरणीय राहुल गांधी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। उत्तरकाशी में भी कोई बड़े नेताओं का आना जाना बना रहेगा? पूरे प्रदेश के अंदर सभी पांचों लोकसभा सीटों पे हमारे केंद्रीय नेतृत्व तमाम बड़े बड़े नेता। लास्ट क्वेश्चन भाजी, कितना परसेंट मान के चले हम कि अब की बार जो इलेक्शन हो रहे हैं जो पुराने आपके नेता लड़ते थे, क्या यूथ चेहरे भी कितना परसेंट देखने को मिल सकते हैं? देखिए नौजवानों में एक उत्साह है, नौजवान इस समय जो है उत्साह भरी नजरों से कांग्रेस को देख रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता से झूठ बोला, आज जो है जनता अपने को ठगा से महसूस कर रही है, खासकर नौजवानों से रोजगार के वादे किए गए थे लेकिन आज आप देख रहे हैं रोजगार कहीं है नहीं, आज जो है लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों के पास कोई काम नहीं है। तो कांग्रेस की जब सरकार आएगी हम लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे इस समय, क्योंकि नौजवानों को रोजगार की बहुत आवश्यकता है। आज हमारा नौजवान स्किल है, पढ़ा लिखा है लेकिन घर में बैठने को मजबूर है क्योंकि उसके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है। तो हम निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने के बाद हम जो है रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और हम हमेशा नौजवानों के साथ खड़े हैं क्योंकि हम मैं खुद एक नौजवानों खुद युवा हूँ, मैं समझ सकता हूँ अपने नौजवानों की। क्या मान के चले आपकी सरकारें बहुत बार पहली बार रही हैं उत्तराखंड में, तो कुछ हम जब ग्रास रूट पे चलते हैं तो ऐसे सुनने को मिलता है कि कांग्रेस भी तो पहले राज कर चुकी है, काफी कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, वही है प्लान अब भी जारी। आप देखिए इतना आज विकास हुआ है किसकी देन है, कांग्रेस ने तो किया है जो भी विकास हुआ है, पिछले 5 सालों में तो सिर्फ झूठ का बोलबाला हुआ है। जितने भी आज आप देख रहे हैं जितना भी विकास हुआ पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने किया है, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी से लेकर के राजीव गांधी जी, हमारा तो विकास का इतिहास रहा हो, चाहे सरदार मनमोहन सिंह जी का हो, तो कांग्रेस ने इस देश के तरक्की में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है और हमेशा हम जो है
देश की जनता के साथ है, उत्तराखंड की जनता के साथ है, उनकी लड़ाई को हम हमेशा लड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। क्या आपको आने वाले टाइम में और बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है, ऐसे कुछ गुप्त न्यूज है? देखिए, ये तो पार्टी अलग, मैं पार्टी का एक सेवक हूँ और सेवा का काम हमेशा सेवा करने का। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी हम पार्टी के लिए हमेशा खड़े हैं। बहुत 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 बधाई आदरणीय भट्ट जी, प्रदीप भट्ट, जो कि लगातार अपनी बहुत ऊंचाई तक पहुंचे अपनी छोटी उम्र में ही, कह सकते हैं और हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में उत्तरकाशी के लिए और टिहरी लोकसभा के लिए बहुत बड़े चेहरे के उभर के आए हैं। बहुत बहुत बधाई आपके लिए इंटरव्यू के लिए। और यशपाल बिस्ट कैमरामैन के साथ महेश भोगना, गढ़वाल विकास निगम, देहरादून से द्रोण होटल से।